दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जो आज तक लोगों के बीच रहस्य बनी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन वो ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी। इजराइल के सी ऑफ गैलीलू के अंदर हजारों छोटे छोटे पत्थरों से बनी एक विशाल आकृति है। चट्टान नुमा यह आकृति 32 फीट ऊंची और 230 फीट व्यास की है, जिसका वजन लगभग 60,000 टन बताया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि इन्हें बनाया गया। माना जाता है कि आकृति 4,000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पानी के अंदर इन आकृतियों को क्यों बनाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गोसेक सर्किल। जर्मनी के एक छोटे से शहर गोसेक में यह अजीबोगरीब गोलाकार आकृति है। इसे सबसे पुराना ज्ञात सौर वेधशाला माना जाता है। यह आकृति करीब 250 फीट में फैली हुई है। इसे जर्मन स्टेनहेंज के नाम से जाना जाता है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे करीब 4,900 साल पहले बनाया गया होगा, लेकिन इसे किसने बनाया था ये अब तक एक रहस्य है। मैक्सिको का टियाटिहुआकन शहर। मैक्सिको में एक रहस्यमय शहर है जिसे टियाटिहुआकन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 14वीं सदी में एजटेक्स के द्वारा की गई थी। इसे प्लेस ऑफ गॉड यानी भगवान की जगह कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहीं भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि इसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और यहाँ कौन लोग रहते हैं। अब तक ये एक रहस्य बना हुआ है। अजरक ओएसिस विल। ये रहस्यमय आकृतियां सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन आकृतियों को 8,500 साल पहले बनाया गया होगा, हालांकि एक सिर्फ अनुमान है। इन्हें सबसे पहले साल 1927 में देखा गया था, जब ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स का विमान इस इलाके से गुजर रहा था। अब इन बड़ी बड़ी आकृतियों को क्यों बनाया गया था, अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है।